अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, पाकिस्तान से मैं हूं फैसल और मैं हूं मानी। आप लोग देख रहे हैं फैसल मानी क्रिकेट शो। क्रिकेट की दुनिया में आईपीएल चल रहा है और इस टाइम पे इंडिया जो है वो प्लेयर पे प्लेयर प्रोड्यूस कर रहा है। कभी मयंक अग्रवाल, कभी कोई और, तो बड़े बड़े नाम आ रहे हैं इंडियन क्रिकेट में और साथ ही इंटरनेशनल क्रिकेट की भरमार है। वहां पर दुनिया का बेहतरीन कोई नाम भी नहीं है ऐसा कि नंबर वन क्रिकेटर जो इंटरनेशनल वो आईपीएल में मौजूद ना हो, सबके सब वहां मसरूफ हैं। और इसी बीच इसी दौरान न्यूजीलैंड क्रिकेट ने पाकिस्तान के साथ सीरीज खेलनी है और इसमें जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है वो इंतहाई फजूल और इंतहाई नए नाम है। एक पर्टिकुलर बी क्लास टीम पाकिस्तान भेजी जा रही है न्यूजीलैंड की तरफ से, जो कि आपको साबित करता है कि आईपीएल स्टैंड पे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को दबोच रहा है, उसकी सीरीज की वैल्यू टकेगी नहीं रही। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या तो अपनी बी टीम खिलाएं या फिर इस सीरीज को बायकॉट कर दें, इस सीरीज पे खेले ही ना। देखिए, आई कोई रहा न्यूजीलैंड की टीम जो आ रही है उसमें कोई ऐसा नाम ही नहीं है जिसको कोई जानता हो, किसको देखने के लिए आएंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट हम कहते हैं कि पाकिस्तान में वापस आ गई, जब इंटरनेशनल क्रिकेट सिर्फ उनके पास न्यूजीलैंड का पासपोर्ट होना काफी नहीं है। सारी की सारी डोमेस्टिक टीम उनकी आ रही है, उनकी बी सी टीम आ रही है, आधे से ज्यादा खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि शायद कभी न्यूजीलैंड की तरफ से खेल नहीं सके, तो ये कैसी टीम भेजी जा रही है, कैसी सीरीज रेंज की है पीसीबी ने। आईपीएल ने पाकिस्तान क्रिकेट मुंह के मुंह पे तमाचा पड़ा है भाई, ये तमाचा है क्योंकि आईपीएल ने बताया है कि इस दौरान अगर आपकी हमारे बोर्ड के साथ बीसीसीआई की नहीं बनती, अगर आप कोशिश करते हो कि आप सीरीज ऑर्गेनाइज करो तो आप नहीं करवा सकते। आपकी औकात नहीं है कि आप आईपीएल के दौरान अपने मेन प्लेयर्स को खिलाओ लेकिन दूसरी टीम को मेन प्लेयर भेजे, क्योंकि सारे मसरूफ है। देखिए, मुद्दा आज का ये है कि प्लेयर्स जो आ रहे हैं बड़े ही आपके लिए ऐसे नाम है जो कि वहां के डोमेस्टिक के नाम है। आप जरा नाम तो पढ़े, आपको समझ आएंगे। जो आने वाले इमरान उनका तो मैं आपको बता दूं, दो तीन नाम उसमें जिसको हम पता है, लेकिन जो नहीं आ रहे, अब नहीं आने वालों के नाम सुने आप। इसमें इस सीरीज में ट्रेंट बोल्ट नहीं आ रहे हैं, इसमें डेविड कॉनवे नहीं आ रहे हैं, फर्गुसन जो कि दुनिया के फास्ट स्पिन बॉलर हैं वो नहीं आ रहे हैं, हेनरी मार्क हेनरी नहीं आ रहे हैं, डैरल मिचेल नहीं आ रहे हैं, ग्लेन फिलिप्स नहीं आ रहे हैं, रिचिन रिविंद्रा जो कि आईपीएल में जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं वो नहीं आ रहे हैं, इसके अलावा मिचेल शॉर्टनर नहीं आ रहे, केन विलियमसन आपको पता है कि बड़ा नाम है वो भी नहीं आ रहे, इसके अलावा विल यंग है, टिम साउदी है, कॉलिन मनरोए, पूरी स्क्वाड जो कि न्यूजीलैंड की स्क्वाड बनती है ना, अफसोस वो नहीं आ रहे, अफसोस के अलावा कर क्या सकते हैं। देखिए, मैंने आपको बोला था कि आईपीएल के साथ पंगा इज नॉट चंगा, ये समझना पड़ेगा पीसीबी को। अगर आपके प्लेयर्स नहीं जाते हैं ना तो आप फन्ने हाँ ना बने कि हम जो है इनके बगैर आईपीएल के होते हुए सीरीज करवा सकते हैं। ऊपर से टिकट प्राइसेस इतनी महंगी महंगी टिकट प्राइसेस 300 वाली भी है, मुझे पता है, मैं मानता हूँ कि $1 वाली टिकट भी है लेकिन बहुत ज्यादा महंगी टिकट है। इन फटीचर क्रिकेटर को देखने कोई भी नहीं आएगा, फिर खाली ग्राउंड जब होंगे ना फिर हम रोना रहेंगे यार, आईपीएल में इतना मजा आता है यार। खाली ग्राउंड हो ना हो लेकिन इसकी बेस पे आपने करनी है प्रिपरेशन, करनी वर्ल्ड कप के लिए। हम ये न्यूजीलैंड को 5-0 सीरीज में हरा देंगे ना तो उसके बाद हम खुश हो रहे होंगे, हम जी T20 रैंकिंग में ऊपर जा रहे होंगे, हमारे जो ना कहते हमारे वो खत्म ही नहीं होंगे, हमारे टच भी नहीं खत्म होंगे कि हमने न्यूजीलैंड को होम सीरीज हरा दी। लेकिन जब वर्ल्ड कप में मुकाबला होगा, जब असल टीम आएगी न्यूजीलैंड की, यही असल टीम आएगी तो हम पे चढ़ दौड़ेगी, ऑस्ट्रेलिया की असल टीम आएगी, हमारी प्रिपरेशन जो है ये समझ लें। मैं तो यही चाह रहा हूं कि इसके खिलाफ देखें, जैसे न्यूजीलैंड ने अपनी स्क्वाड अनाउंस किया ना, पाकिस्तान अपनी बी टीम अनाउंस करे, पाकिस्तान में बाबर आजम को रेस्ट दिया जाए, मोहम्मद रिजवान को रेस्ट दिया जाए, तो अपनी बी टीम को खिलाया जाए, पूरी की पूरी टीम चढ़ के दौड़ेगी, पूरी टीम उनके खिलाफ खेलेगी तो मजा नहीं आएगा इस तरह। और या तो इस सीरीज को बायकॉट करें या न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड से एहतजाज करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और उनको कहना चाहिए यार ऐसी सीरीज आप भेजोगे, ऐसी टीम भेजोगे हमारे पास, हम खेलते नहीं आगे। तो मैं तो इस पे हाथ में हूं। आपने बोली है, दिल की बरास निकाल ली है। आप मुझे बताएं कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड कहेगा आप सीरीज कैंसिल कर दो, आप आईपीएल के, हम अपने प्लेयर्स आईपीएल में भेजेंगे क्योंकि हम बीसीसीआई को जो कि क्रिकेट का राजा है उसको नाराज नहीं कर सकते, वो कहेंगे आप क्रिकेट कैंसिल कर दो, फिर आप क्या करोगे। देखिए, ऐसे नहीं होते हैं, आप फिर आप अपनी बी टीम खिलाए ना, फिर आप अपनी पूरी टीम खिला देंगे। आप तो यहाँ पर हमारे जो मेन प्लेयर है वो फारिग है तो खेलेंगे खेलेंगे, हमने तो कॉम्पिटिशन बनाना है, प्रैक्टिस मैच के लिए खेलना पड़ेगा। लेकिन आप ये नहीं कह सकते किसी बोर्ड को कि आप अपनी कौन सी टीम भेज रहे हो, जबरदस्ती किसी के साथ क्रिकेट नहीं खेली जाती। देखिए, सुपरस्टार की डिमांड होती है। देखिए, आप ऑस्ट्रेलिया की टीम में डेविड वार्नर आए, ऑस्ट्रेलिया की टीम में ये आप मिचेल स्टार्क आए, पैट कमिंस आए, तो उसी ऑस्ट्रेलियन टीम की वो होती, वो रेटिंग नहीं आती। देखिए, हमने भी तो अपनी सीरीज भेज दी है, दुनिया में रेटिंग भेजनी होती है। अब इन प्लेयर्स के अगेंस्ट हम इश शोधी आ रहे हैं जी, आपके जिमी नेशम आ रहे हैं जो पीएसएल खेलते रहते हैं, इसके अलावा
अलावा दूसरा तीसरा नाम मुझे नहीं पता कि कौन आ रहा है। इसने कहा था आपको कि आईपीएल के दौरान सीरीज कर दो, आपको नहीं पता कि 17 सालों से आईपीएल हो रही है, आपको नहीं पता कि सारे बोर्ड्स वहां पर इन्वॉल्व होते हैं, पूरी दुनिया का जो क्रिकेट का स्टेक है वहां इन्वॉल्व होता है, पीसीबी को कब समझ आएगी कि यार इससे पंगा नहीं लेना है। हमेशा ऐसे करता है पीसीबी, अब पीसीबी को मुंह खानी पड़ रही है, एक्सपोज हो रहा है। इससे बड़ा बेहतर क्या था, इससे बेहतर था कि हम अपना टूर्नामेंट डोमेस्टिक टूर्नामेंट करा देते जिसमें अपनी टीमें खिला देते, अपने लड़कों की प्रैक्टिस कराते, इससे बेहतर प्रैक्टिस हो जाती। मैं आपको सही बता रहा हूँ कि आपस में अगर मैच खेलते ना तो इससे बेहतर प्रैक्टिस होती हमारी, जो कि प्रैक्टिस आप कह रहे हैं वर्ल्ड कप से पहले प्रिपरेशन ही करनी है। तो अगर न्यूजीलैंड की एक बी सी टीम बुला के उनको अपनी प्रिपरेशन बना रहे हैं, उससे बेहतर था कि आप डोमेस्टिक आप खिला देते, अपनी चार टीमें बना के उनका मैच खिलाते, ज्यादा बेहतर प्रिपरेशन हो जाती। और दुनिया में ये हमारा जो है मजाक जो उड़ा ये भी ना उड़ता कि यार बी टीम के खिलाफ खेल रहे हो या सी टीम के खिलाफ खेल रहे हो। अभी तक कोई नहीं खेलेगा, आपका क्या राय है कि आईपीएल ने क्या किया पीसीबी के साथ? देखिए आईपीएल ने तो पूरी दुनिया को, मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया ही क्रिकेट को अफेक्ट किया, सिर्फ इंडियन क्रिकेट टीम को फायदा हुआ है, लेकिन पूरी दुनिया की जो क्रिकेट है ना, जो आप कहते हैं नेशन वाइज जो होती है इंटरनेशनल क्रिकेट, उसको तो इफेक्ट किया आईपीएल ने। कैसे इफेक्ट किया है? पूरे बोर्ड में इन्वॉल्व है, सबसे ही बात करेंगे, सबको पैसा मिलता है, सब खुश है, तो सबका फायदा है, नुकसान है। मैं पैसे की बात नहीं मैं कर रहा, पैसे मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। आज आप मैं क्रिकेट फैन हूँ ना, मैं पैसे का फैन तो नहीं हूँ या पैसे के लिए तो नहीं मैं हम क्रिकेट देखते, हम तो क्रिकेट देखना चाहते, अच्छी क्रिकेट देखना चाहते। एज ए क्रिकेट फैन तो नुकसान हुआ है, जब अच्छे मतलब दो अच्छी कंट्रीज मैच नहीं खेलेगी, अब कम से कम मैच होंगे आईपीएल की वजह से पूरा पूरा जो है ना सर्कल ही रुक जाएगा। आपको पता है कि पूरा का पूरा दो ढाई महीने का जो सर्कल है वो इस वजह से थम जाता है, कोई इंटरनेशनल क्रिकेट होती नहीं है। तो एज ए फैन मुझे तो डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, पैसे का वो और था, बोर्ड का आज का हो रहा है, मसला ये आज का हो रहा है। हम हर साल क्यों आईपीएल के दौरान सीरीज रखते हो, कभी जिम्बाब्वे के साथ खेल रहे होते हो, कभी न्यूजीलैंड, कभी श्रीलंका के साथ। आज अभी इस टाइम पे श्रीलंका और बांग्लादेश भी टेस्ट मैच खेल रहे हैं ना, उनका टेस्ट मैच का स्कोर तक पता आपको? नहीं, मेरा नहीं पता ना। तो ये वजह है ना, ये वजह है कि आईपीएल इस टाइम पे, आईपीएल इस टाइम पे दुनिया में राज डाला हुआ है। तो आपको अकल आनी चाहिए ना कि एक अगर बंदा, एक जायंट जो है इस टाइम पे मैदान में उतरा हुआ है तो उसके मुकाबले में ना उतरो, उसके मुकाबले में सबको पता है कि किसी ने नहीं देखनी है सीरीज, लेकिन आपने रखी है तो सब तो मजाक उड़ाएंगे, इंटरमीडिएट तो मजाक उड़ाएगा, इंडियन फैंस तो कहेंगे कि आपकी जो लीग है, आपकी जो सीरीज है वो कोई नहीं देख रहा। ये तो उनको मौका दिया आपने बोलने का, आप ना सीरीज रखते ना कोई बोलता। लेकिन सीरीज तो रखनी, सीरीज की शेड्यूलिंग जो होती है मेरा ख्याल है वो काफी देर पहले हो जाती है, लेकिन आप कम से कम बोर्ड को ये कह सकते थे हमारा तो समझ ले आईपीएल तो चल रहा है ढाई माह का टूर्नामेंट है, यहाँ पर सीरीज हमारी जो 5 मैच की सीरीज 15 से 20 दिनों में खत्म हो जानी है, चाहे इससे भी कम 15 से 18 दिनों में खत्म हो जानी है। तो आप बोर्ड को तो कैसे, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को कह सकते थे कि यार चलो ठीक है आपने पूरी टीम नहीं भेजनी, कुछ 5-6 प्लेयर तो हमारे पूरे भेज दो भाई यार, उनका जो ऐसे भेज दो। इंडियन क्रिकेट टीम अपनी, इंडियन क्रिकेट बोर्ड अपनी बातें बनवाता नहीं है, आप फिर वो कहेंगे पैसा उनके पास वो है तो फिर आप क्रिकेट खेलना छोड़ दें, आप हर चीज को पैसे मिले आते हैं, आप कम से कम अपने टर्म्स बेहतर बना ले दूसरे बोर्ड का। ज्यादा नंबर नहीं करते, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ट्रेंट बुल पाकिस्तान की तरफ नहीं खेल रहे, हाली पाकिस्तान की सीरीज मिस नहीं कर रहे हैं, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ न्यूजीलैंड के साथ कि मुझे आप छेड़ो ना, लीगें खेलने दो, मैं जब मेन सीरीज आएगी ना या मेन टूर्नामेंट आएगा उसमें न्यूजीलैंड को अवेलेबल, यानी कि पाकिस्तान की सिर्फ मेन सीरीज नहीं, कोई भी सीरीज उनके लिए अवेलेबल नहीं है। तो लोगों को पैसा पसंद है, इसको आप डरा नहीं सकते, प्लेयर जो है वो नाराज होते हैं तो सारे बोर्ड कहते हैं यार प्लेयरों को नाराज नहीं करना, आईपीएल एक हकीकत है, इसको मानना पड़ेगा आपको जल्द से जल्द। तो यही मेरी राय है, बिल्कुल ऐसी बात। तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप लोग क्या जानते हैं कि यार आईपीएल जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट खास तौर पे, क्योंकि पाकिस्तान के प्लेयर इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो पाकिस्तानी जो ब्रॉड है उसको काफी नुकसान दे रहा है, इसमें आपकी क्या राय है? और बेल आइकन भी जरूर बनाए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।